हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। गाइस, आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस की, कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं और आईपी एड्रेस कितने तरह के होते हैं और हम इसे क्यों यूज में लेते हैं और ये हमारे क्या काम आते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन ईजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपके लिए रोज एक नई वीडियो लेके आते रहते हैं, जिससे कि आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप हमारे और आप काफ़ी चीज़ों से अवेयर हो सके। तो गाइस, बेसिकली आईपी एड्रेस हम यूज़ क्यों करते हैं, आईपी एड्रेस हम यूज़ क्यों करते हैं, तो अगर हम एक बेसिक लैंग्वेज समझे, एक नॉर्मली लैंग्वेज समझी, तो अगर आप मान लीजिए जैसे हमारे पहले होता था, पहले ज़माने में, कि हमारे घर पे जब चिट्ठियाँ आती थी तो उसमें हमारा एड्रेस लिखा रहता था। जैसे कि आपका कोई घर का एड्रेस हो गया तो आपके घर का एड्रेस पे वहाँ पे ज़िले का नाम लिखा रहेगा आपका, मतलब कि सिटी कौन सी है आपकी, फिर वहाँ पे फिर आपके अगर गांव है तो गांव का नाम लिखा रहेगा, फिर आपके गली नंबर लिखा रहेगा, फिर आपका मकान नंबर लिखा रहेगा। तो ऐसे होता था, तो कई बार होता था कि हमें अगर नहीं पता होता था तो लोग ढूंढ के, मतलब पूछते, लोगों से पूछ के नाम क्या है इनका ही, तो ऐसे पहुंच जाते थे। तो क्या हम इंटरनेट में ऐसा कर सकते हैं, तो इंटरनेट में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट में हमारा इंटरनेट इस टाइम पर काफ़ी पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आज सबको पता है कि हर एक इंसान के पास मोबाइल है, दो दो तीन तीन मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, राउटर है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, जिसके लिए हर एक चीज़ के लिए हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको हमें पता रहना चाहिए कि किस इंसान के पास क्या चीज़ आएगी। अगर कोई भी इंसान कोई भी क्राइम करता है तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही पकड़ा जाता है। कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि हम आईपी एड्रेस अपना छुपा देंगे तो हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो आईपी एड्रेस अगर अपने छुपा देते हैं तब भी अगर पुलिस चाहे तो उनको पकड़ सकती है, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस जो छुपाते हैं वो किसी भी ब्राउज़र से छुपा सकते हैं, जैसे टॉर ब्राउज़र हो गया तो उससे छुपा सकते हैं, तो लेकिन उससे भी पकड़े जाते हैं, अगर पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको जो लोकल आईपी दी जाती है वो अगर चाहे तो आपकी आईपी वो लीक कर सकते हैं और बता सकते हैं पुलिस को कि इस इंसान के पास इस टाइम पर ये वाली आईपी हमने दी थी। तो आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है, कि अभी तक आप समझ गए हो कि आईपी एड्रेस वही होता है जो आपकी पूरी एक पर्टिकुलर जगह बता पाए, क्योंकि इंटरनेट पे हम रोज़ एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आप अभी एक ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप भी कहीं से ये जो वीडियो देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, तो ये भी कहीं से आप ले रहे होंगे, मतलब आपका ये जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ये किसी यूट्यूब के सर्वर से हो रहा है, तो वहाँ उस सर्वर से आप कनेक्ट हैं तो तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो आईपी एड्रेस होता है वो काम करता है, कि जैसे कि आपने किसी भी आईपी एड्रेस जो होता है, अगर आपने किसी को कोई डाटा सेंड किया तो जब तक आपके पास उसका पर्टिकुलर एक एड्रेस नहीं रहेगा तब तक आप उसको सेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम हर एक गैजेट्स को, हर एक वेबसाइट को, हर एक राउटर को, मतलब जितनी भी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उन सबको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जो एक प्रोटोकॉल मीन्स, जो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि रूल, एक एड्रेस फिक्स होता है उसमें, तो वो एड्रेस जो होता है वो सभी के लिए सेम फॉर्मेट में होता है, और सेम होता है लेकिन सबके लिए अलग अलग होता है, फॉर्मेट उनका सेम रहेगा लेकिन सबके लिए अलग अलग होगा। तो जो नॉर्मली एड्रेस होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, तो वो जो है, जो नॉर्मली एड्रेस की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मली एड्रेस चार सेक्शन में बटे होते हैं और वो 0 से लेके 255 तक उनकी लिमिट होती है, 0 से लेकर 255 तक लिमिट होती है, और वो 32 बिट पे होते हैं। जो आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 है वो 32 बिट पे होगा। और अगर हम सिंपल एड्रेस की बात करें तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि सिंपल एड्रेस आपको दिख रहा है, ये एक सिंपल एड्रेस है, आईपी V4 का एक सिंपल एड्रेस है। अगर हम इसके अंदर की हम लिमिट की बात करें तो ये जो आईपी V4 है ये वर्जन 4 हैगा और ये ओनली 4.3 बिलियन समथिंग है, मतलब एक 4.3 बिलियन तो नहीं है, वो 4.3 बिलियन समथिंग है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कितने बिलियन है ये। तो
और यूनिक बात यह है कि ये 4.3 बिलियन भी ये पूरे हो चुके, मतलब ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास, क्योंकि हमने कभी जब हमने ये आईपी एड्रेस जनरेट किया था तो हमने ये नहीं सोचा था कभी कि हमें इतनी तादाद में हमें आईपी एड्रेस चाहिए होगा कभी, कि हम इतनी तादाद में हम इंटरनेट यूज़ करेंगे, कि हर एक इंसान के पास इतने सारे गैजेट्स होंगे कि उसके लिए हमें अलग अलग आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमने ये चीज़ें नहीं सोची थी, तो इसके लिए अब हमारे पास हमें कुछ तो करना था, क्योंकि हमारे पास हमारे पास काफ़ी सारे गैजेट्स हो गए थे, जिससे कि हम हर गैजेट्स के लिए हमें हर वेबसाइट के लिए हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो इसके लिए हमने क्या करा कि इसके लिए हमने IPv6 मतलब वर्जन 6 हमने जनरेट किया, जो कि 128 बिट के एड्रेसिंग सिस्टम है। और ये एड्रेसिंग सिस्टम जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको ये एड्रेसिंग सिस्टम देख सकते हैं कि आप कितना बड़ा है ये, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए। और मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और ये इतना अलग है कि मतलब अगर एक एक इंसान के पास लाखों या हज़ारों गैजेट्स भी होंगे तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी हम कई जो हमारी वही पुरानी वेबसाइटें चल रही हैं वो भी अभी भी वो IPv4 पे ही चल रही हैं। तो हमें अगर IPv6 में आना है तो उसके लिए हमें जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, राउटर जो हैं, वेबसाइट है उन, और जो भी वेबसाइट की होस्टिंग सर्विस है, उन सबको IPv6 के साथ एक कंपेटेबल होना बहुत ज़रूरी होगा। और अभी तक हमने मतलब अभी जो हमारे जो लेटेस्ट के जो फ़ोन आ रहे हैं और लेटेस्ट की जो वेबसाइटें आ रही हैं तो उन पे हम IPv6 यूज़ कर रहे हैं, उन तो हम धीरे धीरे मतलब IPv6 तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी हद तक हम मोस्टली हम अभी IPv4 ही यूज़ कर रहे हैं। तो इससे मतलब IPv6 यूज़ करने से हमें फ़ायदा क्या है कि हमें IPv6 यूज़ करने से हमें ओनली हमारा एड्रेस चेंज नहीं होता है, तो हमारा ओनली एड्रेस चेंज नहीं होता, जो हमारी जो वो फाइल होती है जो पैकेट के फॉर्म में जाती हैं, जो ट्रांसफ़र होती है पैकेट के फॉर्म में, जो साइज होता है वो उसमें भी थोड़े डिफरेंस आता है, उसमें हमारी मतलब जो IPv4 के मुकाबला करें अगर हम कंपैरिजन करें तो IPv6 में हम अगर कोई भी फाइल भेजते हैं तो वो काफ़ी जल्दी जाती है, और हमारे जो इंटरनेट होता है वो IPv6 में फास्ट हो जाता है थोड़ा। तो इसी यही डिफरेंस है कि मतलब IPv6 है हमारे IPv4 में, कि IPv6 है वो थोड़ा फास्ट है और IPv4 हमारा थोड़ा स्लो है, लेकिन अभी भी हम काफ़ी हद तक IPv4 ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो फ़ोन्स आ रहे हैं, अब जो वेबसाइट्स आ रही हैं उसमें IPv6 यूज़ हो रहा है। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर अभी तक आपने हमारी और वीडियोज़ नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाइए, आप और वीडियोज़ देखिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।